दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पुराने घर में नया पोर्च कैसे बनाएं, तो आज मैं इसकी जानकारी देता हूं। ये पोर्च की टोटल लंबाई 20 फीट है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं 20 फीट इसकी लंबाई है। चौड़ाई की बात किया जाए तो इसकी चौड़ाई 10 फीट है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये हमारी चौड़ाई है 10 फीट, आप लोगों को दिख रहा होगा। इसमें आप लोगों को करना क्या है, अगर 20 फीट है डबल पिलर यहाँ दिया जाए साइड में, फिर उस साइड में भी डबल पिलर दिया जाए। इससे क्या होगा, आपकी खूबसूरती बढ़ेगी और मकान की मजबूती बढ़ जाएगी और ये जो बीच का इसका कवरेज एरिया है वो कम हो जाएगा। 3-3 फीट दोनों तरफ से कम हो गया तो 6 फीट कम हो गया, हमारा ये 14 फीट बचा है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और पीछे हमें तोड़ फोड़ ज़्यादा नहीं करना है, तो छत में होल मार दीजिए, आपका पिलर चला जाएगा ऊपर। एक होल इधर मारिए, एक होल इधर मारिए, उसके बाद यहाँ पर आपको पिलर कॉलम को थोड़ा कम ढालना है, एक फीट इधर से कम ढालना है और एक फीट इधर से कम ढालना है, और इस कॉलम से इस कॉलम तक पूरा बीम मार देना है, उसी पर आपका स्लेप आकर टिक जाएगा। आपको ज़्यादा झंझट नहीं करनी पड़ेगी और आपका कॉल भी मजबूत है सब।